हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो है पैसे बचाने के बारे में। वो ये है सीन कि मेरी गाड़ी का जो क्लच है वो हो गया है थोड़ा सा सॉफ्ट। हुआ ये कि जब मैं इस क्लच को प्रेस करता हूँ तो ये बहुत इजीली अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगना चाहिए, तो जो कि प्रेशर नहीं लग रहा। और जब मैंने जब सर्च की तो मुझे पता चला कि मेरी जो गाड़ी है इसके अंदर वो जो है क्लच केबल नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोलिक क्लच है। तो अब हम इसकी करने वाले हैं ब्लीडिंग। अब इसके अंदर मैं पहले चेक करूंगा ऑयल है या नहीं। अगर ऑयल हुआ तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पे मैं देखूंगा, इसको ओपन करके इसकी प्रॉपर ब्लीडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली इसके अंदर कोई बबल्स हैं या एयर है, उस एयर को ख़त्म करना है ताकि क्लच जो है प्रॉपर यूज़ हो सके। क्योंकि अक्सर मैं जब रोड पर जा रहा होता हूँ तो जब मैं इसको पम्प करता हूँ थोड़ा सा, पंपिंग के बाद ये क्लच ठीक हो जाता है, बट जब थोड़ी देर मैं छोड़ देता हूँ क्लच नहीं यूज़ करता तो ये फिर सॉफ्ट हो जाता है। तो अभी हम इसको प्रॉपर चेक करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो अगर यही मैं मैकेनिक के पास जाके उसे बोलूँ कि जी इसकी ब्लीडिंग करके ज़रा सा चेक कर लो ये वो, तो वो अच्छे हाथ से मेरे से पैसे चार्ज कर लेगा। ऑयल मैं ले आया हूँ, मैं ऑयल आपको दिखाता हूँ ऑयल कौन सा मेरे पास, ठीक है। तो ऑयल है ऑयल ये वाला है। ऑयल जो है मेरे पास ये है ऑयल, ठीक है जी, ये ऑयल है। और पहले मेरे से प्यार करा रहा था और उसके बाद जब मैंने पीछे हटाऊँ तो गुस्सा करने लग गया है। वाह, तो ये ऑयल है जी, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ब्रेक एंड क्लच फ्लूइड, ओके। तो अभी इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर ऑयल है या नहीं, क्योंकि उस दिन भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था लेकिन अभी फिर भी ये मसला कर रहा है। तो इसकी आज प्रॉपर फ्लूइड कर इसकी ब्लीडिंग करते हैं कि इसको प्रॉब्लम है क्या। अभी ये देखें, अब इसके अंदर ऑयल तो है लेकिन इसके अंदर कोई बबल्स हैं। अभी जैसे ही मैं इस वाली जगह पे इस इधर स्क्रू इसका ओपन करूँगा तो साथ ही ये यहाँ से बबल निकलेंगे हल्का हल्का, ठीक है। तो गैस ये जो है 8 नंबर की है, टोयोटा यारिस है, ठीक है जी। इसकी अभी हम कर रहे हैं ब्लीडिंग क्लच की, क्योंकि क्लच सॉफ्ट है। तो भाई थोड़ा सा मैकेनिक भी है, टेंशन नहीं लेनी, सारी क्वालिटी सब कुछ है हमारे में टैलेंट, ओके। सबसे पहले इसका जो कैप है, ये वाला कैप ये उतार लेते हैं, ठीक है। ये कैप जो है इसको ओपन करते हैं, ये चीज़ अब आप देख रहे होंगे वो जो है नज़र आना शुरू हो गया। अब मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा साथ ही ये लीक होना शुरू हो जाएगा, इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ हम पंपिंग भी करेंगे। तो इसके अंदर मैंने एक इंजेक्शन, ये किट है, ये मेरी साइकिल के लिए थी। तो साइकिल के लिए मैंने ये किट मंगवाई थी। मेरी जो साइकिल की ब्रेक है उसके अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो उसके लिए मैंने ऑर्डर की थी, उसका तो ठीक हो गया, लेकिन अब इसके लिए भी हल्का सा यूज़ करके देखते हैं। इंजेक्शन की मदद से इसको इसको थोड़ा सा सक करेंगे, ओके। तो गैस जैसे इसको मैंने अभी ओपन करना है साथ ही ये थोड़ा सा ऑयल इसमें से वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं फिर इंजेक्शन यूज़ करके देखता हूँ कि क्या सीन होता है, ओके। तो ये आगे की ये देखें, अब ये बबल बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये जो बबल्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है। ये बबल्स बेसिकली खत्म होंगे तभी क्लच प्रॉपर काम करेगा। तो गाइस ये अभी आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अभी ऑयल काफी गंदा है, अभी मैं जाके थोड़ा सा क्लच की पंपिंग करूंगा। और इसको लगाने का मकसद ये है कि जब ऑयल इसके बीच में आ जाएगा काफी, तो ऑयल वेस्ट ना हो। तो इसके बीच में जब ये मैं डालूंगा तो जो होगा फ्लूइड जाया नहीं होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो है मैं क्लच को प्रेस करूंगा, ये आप देख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं ये, ताकि फ्लूइड थोड़ा सा और बाहर निकले। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया अब काफ़ी। तो गाइस अभी मैंने इसमें थोड़ा सा फ्लूइड भी ऐड कर दिया यही वाला, ठीक है। और अब देखते हैं क्लच को प्रेस करके, इधर से मैंने इसको टाइट भी कर दिया, अब क्लच प्रेस करके देखते हैं कि क्या सीन होता है, ओके। तो अब ये देखें, अब ये जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ये प्रॉपर प्रेस हो रहा है, ये जोर लग रहा है एक तरह का, और जो गियर है वो भी प्रॉपर लग रहा है, ठीक है। पहले बिल्कुल ही फ्री हो गया हुआ था,
तो अब मैं जो है इसको टाइट करने लगूँ, ये जो अब इसका जो पॉइंट है उसको इस की से टाइट कर देते हैं। ओके, तो मैंने थोड़ा सा पहले किया भी है लेकिन थोड़ा सा मजीद कर देते हैं। ये टाइट हो गया। अब इसकी जो कैप थी, कैप वापस लगाते हैं, ये कैप ये वाली, ठीक है, ताकि ऑयल बाहर ना आए। और थोड़ा सा इसको साइड से ड्राई कर देते हैं ताकि अगर लीकेज कल को दोबारा हो तो पता चल जाए कि लीक हुआ है क्या हुआ है। ओके जी, अब ये थोड़ा सा ऑयल इधर गिरा हुआ है, इसको किसी तरह ड्राई करते हैं इधर से या टिश्यू से कर लेते हैं। ओके, तो गैस ये थी जी वीडियो हमारी कि आपने कैसे ऑयल की ब्लीडिंग वगैरह करनी है, और एट द एंड हमेशा अपने जो पार्ट्स जो आप यूज़ करते हैं उनको क्लीन लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का। ओके, तो गैस अभी जो है हम प्रॉपर रोड पे चला के देखते हैं कि क्लच प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, लेट्स गो, ये इधर रख देते हैं। ओके, ठीक है जी, अभी कोई लाइट कुछ ओपन शो नहीं हो रहा। सीट बेल्ट लगाते हैं। तो अभी ये फर्स्ट गियर लगाया मैंने, ये फर्स्ट गियर आ गया, ठीक है जी। तो ये अभी प्रॉपर गियर जो है काम कर, सिस्टम गियर सिस्टम काम कर रहा है, देखें आप, ठीक है। अब इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स भी जा रही है प्रॉपर जी। ओके, तो गाइस प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसे अपने पैसे बचाएं, ठीक है, कोई चीज़ जो है आपको समझ आ रही हो वो खुद करने का ट्राई करें, उसको यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करें कि उसके अंदर प्रॉब्लम है क्या, और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। इसी तरह आप चीज़ को सीखते भी हैं, ठीक है।